नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जुड़ी हुई है बरौदिया के नौनागिर में, जहां दुखद घटना भी हुई थी। साथ में यहां पर जो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। आखिर एक बार फिर हम आपको बता दें, अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी भी पहुंचे थे, साथ में राहुल गांधी से बात भी कराई थी। कहीं ना कहीं यह दुखद जो दुर्घटना और घटना हुई है, इसको लेकर जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वों का पहुंचना नौनागिर में अभी जारी है। हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं इस मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए तो यह घटनाक्रम हुआ है जहां जांच के आदेश भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जहां दिग्विजय सिंह पहुंचे थे परिवार के बीच में और दुखद घटना पर खेद भी व्यक्त किया था और न्याय की बात की थी। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। उन्होंने जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से सीधे परिवार के लोगों की बात भी कराई थी। कहीं ना कहीं राजनीति का यह घटनाक्रम बढ़ते हुए चरण में दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो है यह घटनाक्रम जो हुआ है, इस पर दुख भी व्यक्त हुआ है। साथ में यह घटना जो है बड़ी घटना घटी है, लेकिन तुम तक न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत के अंश कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भी बात हुई थी। कैसे करिए, आप पूरा जीतू को समझा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम ठीक है। इस घटना क्रम को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मंत्री गोविंद राजपूत भी पहुंचे हैं। साथ में हम आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के भूपेंद्र सिंह भी इस घटना के दौरान जो है दुखद परिवार के बीच में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह नौनागिर की जो घटना हुई है, जहां पर शोक संवेदनाओं के साथ में राजनीति का अगर बात की जाए तो यहां पर राजनीति में भी जो शोक कुल परिवार है उनके बीच में नेताओं का जाना और सिलसिला लगा हुआ है। तुम तक न्यूज पर सीधी हम तस्वीरें बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का पहुंचा है और परिवार से मिला है। आखिर यह जो परिवार है, यहां जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं यह शोक कुल परिवार के बीच में अब यहां पर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर घोषणा भी की है कि यहां पर बनेगा पुलिस चौकी की भी घोषणा हो गई है। तुम तक न्यूज पर विशेष तस्वीरें। थाना में